बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह मैं फ्रॉक की कटिंग बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमें तीर का नाप लेना है। ये है 5 इंच का, यहाँ पे मैं मार्क करूँगी। तो आगे है हमारे पास कंधा 6 इंच का, तो मैं 5.5 पे निशान लगाऊँगी। आधा इंच गहराई में आ जाएगा। तो यहाँ से गुलाई लेनी है फिर। तो आगे हमारे पास है कमर 12 इंच की, तो 2 इंच सिलाई के लिए रखेंगे। 14 इंच, तो 8 इंच पे मैं मार्क करूँगी। तो आगे हमने यहाँ पे इस तरह लाइन लगानी है। तो ये हमारी लाइन लग गई है। तो अब हमने आगे यहाँ तक फिर लगानी है लाइन। तो अब हमने इस निशान से ऐसे कटिंग कर लेना है। तो अब ये इस लाइन से भी हमने यहाँ से ऐसे कटिंग कर लेना है। तो ये जो हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रखा है, तो इसे इस तरह चुनट में लगा देना है। तो ये हो गई हमारी फ्रॉक की कटिंग। अब हम इसको स्टिचिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमने उसे एक पैर का वक्फा दे के यहाँ से सिलाई लगानी है। तो ये हमने अब सिलाई लगा ली है। अब इसके साथ फिर एक पैर का वक्फा दे के सिलाई लगानी है। तो फिर हमने इस तरह सिलाई लगानी है। ये भी हमने सिलाई लगा ली है। तो दूसरी तरफ से भी हमने इसी तरह सिलाई लगानी है। तो इसकी दूसरी साइड पे भी हम सिलाई लगा रहे हैं। यहाँ से एक पैर का वक्फा दे के सिलाई लगानी है। सिलाई थोड़ी मोटी हो ताकि फिर ताज़ा टूटे नहीं। ये हमारी सिलाई लग गई है। तो अब हमने इस तरह इन दोनों धागों को पकड़ कर इस तरह चुनटे बनानी है। इस तरह धागे को खींचते जाना है और ये कपड़े को भी पीछे करते जाना है। थोड़ा थोड़ा धागे को खींचना है, ज़्यादा नहीं खींचना। अगर ज़्यादा खींचा तो धागा टूट जाएगा। तो इस तरह हमने इन चुनटों को इस तरह बनाना है। तो ये देख लेना है हमने कि इस कपड़े के साथ बिल्कुल एक जैसा हो। तो
तो ये हमारा बिल्कुल एक जैसा है। तो अब इन चुंडों को साइड पे थोड़ा सा कर लेना है ताकि चुंड बिल्कुल एक जैसी आए। ये हमारी चुंटे बन गई हैं। तो ये दोनों तरफ से हमने चुंटे लगा ली हैं। तो ये अब हमने इस तरह आगे सिलाई करना है कि जिस तरह सिंपल फ्रॉक सिलाई करते हैं। ये हमारा फ्रॉक तैयार हो गया है। अगर ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।